नमस्कार बच्चों, और कल के एपिसोड से आगे बढ़ते हुए कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी के बारे में हम लोग चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल के थोड़े से रिकैप के रूप में मैं ये आपसे शेयर करना चाहूंगा कि निबंधकार और उसका मित्र यशराज, ये दोनों आपस में एक तरह से तर्क वितर्क कर रहे हैं, और यशराज उनको ये बता रहा है कि तुम जो लिख रहे हो या तुमने जो मैं अपनी डायरी मेरे पास प्रस्तुत की है देखने के लिए, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि तुमने कहीं कोई ईमानदारी बरती नहीं है। मुझे कहीं से नहीं दिख रहा है कि तुम ईमानदार हो अपने लेखन में, और ये बात निबंधकार को चुभ जाती है, लेकिन वो अपने को कंट्रोल करके, नियंत्रण में रख करके ये मान के चलता है कि चलो भाई, सीखना ही है, जीवन भर सीखना है। प्राइमरी स्कूल वाली बात कल मैंने आपसे की थी, तो जीवन एक प्राइमरी स्कूल है और महाविद्यालय तक, कॉलेज तक आदमी सीखते ही रहता है। यानी कॉलेज में जा करके भी अपने आप को प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी मानना, उस रूप में देखना, यही लेखक के हिसाब से यही जिंदगी है। आदमी कभी परिपक्व नहीं हो पाता है, कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। हमेशा लगता है कि हम अभी भी बिल्कुल नौसिखिए की तरह कुछ सीख ही रहे हैं। यही क्रम चलता रहा और अंततः लेखक जो है वो अपने मित्र की बात से सहमति प्रकट करते हुए ये कहता है कि हाँ भाई, ठीक है, तो तुम जो कह रहे हो उसके हिसाब से मैं जो समझ रहा हूं, तो यही है कि व्यक्तिगत ईमानदारी का मतलब ये है कि जिस अनुपात में और जिस मात्रा में, ये गणित के शब्द में मत जाइए आप, अनुपात मात्रा, मतलब ये है कि जो किसी को देख करके, किसी व्यक्ति को देख के, किसी दृश्य को देख करके, किसी वस्तु को देख करके, आपके मन में जो विचार जिस तरह से आ रहे हैं, जैसा विचार आया, जैसे भाव आपके मन में आए, ठीक उसी तरह अगर आप लिख देते हैं, यही आपकी ड्यूटी है, यही आपका धर्म है। अब ये तो कहा निबंधकार, अब यशराज और चिढ़ जाता है, ये इसकी समझ इतनी ही है। यानी यशराज जो समझाना चाहता है, निबंधकार समझ नहीं पा रहा है, तो यशराज जो है थोड़ा सा जिद्दी हो जाता है और कहता है कि बस, जितना भाव, जो भाव आए, जितना आए, जैसे आए, उसको लिख दो, बस काम तमाम। यही तुम्हारी सोच है, ऐसे ही लिखते हो तुम, और यही तुम्हारा धर्म है। तो क्या तुम्हारा धर्म यहीं तक सीमित है कि जितना विचार आए, जैसे विचार आए, वैसा लिख दो और बस कलम बंद करो? यदि तुम ऐसा मानते हो कि यही तुम्हारी ईमानदारी है, तो भैया मेरे, मैं तो ये कहूंगा कि तुम्हारी जो अभिव्यक्ति की ईमानदारी है, यानी अपने अंदर जो है उसको व्यक्त करना, उसको लिखना, इसमें भी तुम ईमानदार नहीं हो। ये तो और ज्यादा, मतलब एक तरह से कहते हैं जैसे जूता भिगा के मारना, वो बात हो जाती है। अब एहसास से बात करने की हिम्मत या इच्छा नहीं हो रही है निबंधकार की। वो लगता है जैसे उसका दिमाग बन ना गया है, वो सोचता है कि यार यार, थोड़ी सी कभी चाय वही मिल जाए तो थोड़ा मूड बदले, इसने तो पूरा मिजाज गर्म कर दिया है। खैर, अपने मन को तसल्ली भी देता है कि, अपने मन को समझाता है कि यार शांत हो जाओ, मेरे मन शांत हो जाओ, बोल रहा है सुन लो, सीनियर है, हमसे बड़ा है और मेरे फायदे की ही बात कर रहा है, तो अगर अभी थोड़ा सा इस तरह से अजीबोगरीब मूड में बात कर रहा है तो उसको कर लेने दो, और तुम जरा शांत रहो। वो अपने अपने आप को समझा रहा है। फिर पूछता भी है कि अच्छा बताओ कैसे। अब जैसे ही उसने कहा कैसे, तो ये असराज जैसे लगता है कि वो पूरा रिवॉल्वर या पिस्तौल तान कर रखा हुआ है, उसने ट्रिगर दबाया और गोली चली। उसी अंदाज में वो कहता है कि जो भाव या जो विचार जिस स्वरूप को लेकर, यानी जिस चीज को, जिस दृश्य को देख करके,
तुम्हारे मन में वो विचार उत्पन्न होते हैं उसको ठीक हू बहु उसी तरह से प्रस्तुत करना ना काफी है, माने वो पूरा नहीं है, वो मतलब कि वो काफी नहीं है, ना काफी मतलब वो काफी नहीं है, यानी इसका मतलब और कुछ चाहिए, क्या चाहिए। तो वही कह रहा है कि इंपॉर्टेंट बात यह है, महत्व की बात यह है कि वह भाव या वह विचार किसी वस्तु तथ्य से सुसंगत है या नहीं, यानी जिस वस्तु को देख के, जिस व्यक्ति को देख करके, जिस चीज को देख करके तुम्हारे मन में वो भाव आए, वो उस वस्तु के साथ जिसको देख रहे हो उसके साथ वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को देखे और उसको देख करके आपके मन में कुछ विचार आया, मान लीजिए कोई महिला ही है और कोई महिला जा रही है, आपने उसके बारे में कुछ सोच लिया, यार ये तो बड़ी अच्छी दिख रही है, इसमें ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अब उसके बारे में आपने कल्पना करके अपने विचार लिख दिए, हो सकता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो उससे जाके अगर आप पूछें कि मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा है, तो हो सकता है कि आपको सैंडल उठा करके धड़ाधड़ पीट दे कि कैसे आपने मेरे बारे में ऐसा सोच लिया। तो ये छोटा सा उदाहरण है, रफ उदाहरण, जो आपके दिमाग में ठीक से बैठ जाए। मतलब ये कि जिस चीज, जिस व्यक्ति, जिस वस्तु को देख करके आपके मन में विचार उठे, वो विचार उससे मिलने चाहिए, वो भी कहे कि हाँ ये ठीक है, तुमने मेरे बारे में जो सोचा वो सही है। इसको कहते हैं सुसंगत होना। अगर ऐसा नहीं है और आपने अपने मन से लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आप सब्जेक्टिव हो गए। ये दो चीज आएगी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, दो शब्द आएंगे, इसको आप समझिएगा। सब्जेक्टिव होना मतलब किसी को देख करके आपने खुद अपने अपने से लिख दिया या बोल दिया, ये आप सब्जेक्टिव हो गए। और ऑब्जेक्ट माने वो कर्म, सब्जेक्ट आप खुद हैं, करता हैं, आप कर रहे हैं, आप सब्जेक्टिव हो गए। लेकिन जिसके बारे में आप कर रहे हैं, व्याकरण में आपने पढ़ा होगा कर्ता कर्म, तो जो ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आप विचार व्यक्त कर रहे हैं उसको तो आप भूल गए, उससे तो आपने पूछा नहीं, जाना नहीं, या जानने की कोशिश भी नहीं की कि हाँ भाई तुम्हारे बारे में मेरे मन में विचार उठे हैं, क्या मैं आपके बारे में ठीक सोच रहा हूं। तो ये तो आप जहमत उठाते नहीं है, जो मन में आया सो लिखा और कह दिया कि बस मेरे मन में जो उठा मैंने लिखा, ये मैंने सही लिखा है, क्योंकि जिस तरह से विचार आए मैंने लिखा। अरे भाई लिखा तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके बारे में आपने लिखा वो आपके लिखने से सहमत है कि नहीं है, या वो उसको टिक लगा रहा है कि नहीं कि हाँ भैया बड़ा अच्छा सोचे हो, मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे बारे में जो आपने लिखा बिल्कुल सही लिखा, दुरुस्त बात आपने लिखी है। अगर वह ऐसा लिखता है तो कुछ हद तक आप लीक पर हैं, ट्रैक पर हैं। इसीलिए दो पहलू आते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो निबंधकार या लेखक कुछ भी हो, ज्यादातर लोग सब्जेक्टिव होते हैं, वो अपनी बात कर देते हैं, लेकिन जिसके बारे में कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको गौण कर देते हैं, उसको मतलब कि थोड़ा सा अलग हटा के रखते हैं। यहीं पर जो आलोचक है वो अंतर करता है, भेद करता है। केवल आत्मगत पक्ष के चित्रण को महत्व देकर उसे भाव सत्य या आत्मसत्य की उपाधि देते हैं। और ऐसा करके लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि यही आत्मसत्य है, यानी मेरे मन में जो सत्य है वो है, मेरे मन में जो भाव है मैंने उसको लिखा, इसलिए भाव पक्ष और सत्य, हाँ आत्मसत्य, भाव सत्य और आत्मसत्य ये दोनों ही हैं, इसी का नाम दे करके लोग अपनी लेखनी आगे बढ़ाते हैं और सब लोग ऐसा ही करते हैं। इस तरह से आत्म पक्ष जो है, जो सब्जेक्टिव चीज है, उस पर ज्यादा फोकस रहता है, ज्यादा ध्यान रहता है, और जो वस्तु पक्ष है, जो वस्तु परख है, जिस पर आप लिख रहे हैं उसको आप थोड़ा सा अलग करते हैं। तो ये तो ठीक उल्टा हो गया, आपने मनमानी कर दी, आपके मन में जो आया लिखा कहा, लेकिन जिसके बारे में आप लिख रहे हैं उसका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यशराज अपनी बात जोड़ते हुए आगे कहता है कि अगर ऐसा हो रहा है, केवल तुम नहीं कर रहे हो, मेरे दोस्त हो,
लिखते हो, अच्छा लिखते हो, ये कमी केवल तुम में नहीं है, ये आम तौर पर मैं देख रहा हूं कि सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, जो लिखने की जो टेक्निक है, जो तकनीक है, उस पर इम्पैक्ट आता है, उस पर असर पड़ता है, और वो एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इम्पैक्ट है, गलत प्रभाव जाता है, गलत संदेश जाता है। ये लेखन के समय हमें हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। उस समय जब ये एसराज बोल रहा है तो उसकी आंखें देखने के काबिल थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने दोस्त को झिड़क रहा हो, माने एक तरह से चाइडिंग, जो अंग्रेजी में कहते हैं चाइडिंग, माने क्या बकवास लिखता है यार, अजीब आदमी है, इस तरह से आंखों से ही लगता था जैसे उसे वो माने प्रताड़ित कर रहा हो। खैर, निबंधकार जो है उसकी आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहा है, तो चेहरे की ओर नहीं वरन उसकी बातों की ओर ध्यान देने लगा। वो केवल सुन रहा है कि क्या बोल रहा है, क्योंकि आंख से आंख मिला के बात करने की इसमें हिम्मत नहीं है निबंधकार में, तो उसकी सुनता जा रहा है कि आखिर वो कह क्या रहा है। और यशराज अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है कि मध्ययुगीन भारतीय काव्य में, आपने साहित्य पढ़ा होगा, पढ़ेंगे तो साहित्य की जो शुरुआत है, आदि काल, फिर मध्य काल, आधुनिक काल वगैरह वगैरह जितने काल में बटे हुए हैं, तो मिडिल एज में जो मध्ययुगीन जो इंडियन जो लिटरेचर है, इंडियन काव्य जो है, इंडियन जो पोएट्री है, भारतीय काव्य है, उसमें कुछ एक को छोड़ करके, कुछ जो है वो अपवाद हैं, कुछ जो है अपवाद हैं, एक्सेप्शन हैं, बाकी सब में जो मेजर जो टेंडेंसी रही है, प्रधान प्रवृत्ति लिखने का जो एक मिजाज रहा है, वो वस्तु पक्ष के वर्णन की हो रहा है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में लिख रहे हैं तो उसी का वर्णन कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए तुलसीदास अगर राम के बारे में कुछ कर रहे हैं तो वो राम की व्याख्या कर रहे हैं, राम के चरित्र का गान कर रहे हैं, वो अपना नहीं कर रहे, मैं तुलसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ऐसा नहीं है। उस काल में भी कुछ लोग हुए जिन्होंने अपने बारे में बात की, लेकिन वो एक आध अपवाद का है, अपवाद का मतलब उसको छोड़िए, मुख्य मेन जो स्ट्रीम है उस काल में लिखने वाले लोग हमेशा वस्तु परक को ध्यान देते थे। अगर कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है तो सूरदास जो है वो कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं, अपने को फोकस में नहीं लाते। तुलसीदास जो है राम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो राम पर उनका फोकस है, अपने बारे में कुछ नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक युग आता है साहित्य में जिसको छायावाद कहते हैं। तो छायावाद में ज्यादातर जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वो आत्म प्रशंसक हो गए हैं, अपनी बात करते हैं, अपने बारे में कहते हैं, और अपने माध्यम से अपने अपना दुख, अपना सुख शेयर करते हैं लोगों के साथ। ये छायावाद की प्रवृत्ति रही है। अगर आप भारतीय साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें छायावाद में ये चीज आपको मिलेगी पढ़ने को। तो छायावाद में ठीक उसका उल्टा हो गया। जैसे मध्ययुगीन में वस्तु पर, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दिया जाता था, छायावाद में बस आत्मपक्ष, सेल्फ अप्रेजल, अपनी प्रशंसा, अपने बारे में कहना, अपना दुख बांटना, या आनंदित हैं तो अपना आनंद लोगों में बांटना, ये एक प्रवृत्ति आ गई छायावाद में। और इस युग में फिर जो वस्तु पक्ष है वो थोड़ा साइड हट गया, उसको परे कर दिया गया, बगल में कर दिया गया। यशराज आगे कहते हैं कि यदि हिंदी की नई कविता को साहित्य के इतिहास में, या यूं कहिए कि संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण पाठ अदा करना है, अगर लिटरेचर तो भाई वो सोसाइटी में या हमारे समाज के उत्थान में, पतन में बहुत बड़ा हाथ होता है। साहित्य जो है, कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, जैसा समाज होगा वैसा साहित्य बनेगा। तो अगर साहित्य को अच्छा बनना है, साहित्य को अगर समाज को मोल्ड करने के लिए, समाज को एक सही दिशा देने के लिए अगर कोई पार्ट प्ले करना है, कोई रोल अदा करना है, कोई भूमिका निभानी है, तो उसे आत्मपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों में एक बैलेंस स्टैब्लिश करना होगा, दोनों में समन्वय स्थापित करना होगा। ये नहीं कि किसी एक को
हाइप कर दिए, दूसरे को नीचे कर दिए। नहीं, अगर है तो दोनों को आप बैलेंस करके चलिए तो लिटरेचर बचेगा, साहित्य बचेगा, वरना साहित्य के साथ बहुत बड़ा एक तरह से लोग बलात्कार कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं, साहित्य की जो गरिमा है उस पर आघात हो रहा है। अब स्वाभाविक है कि यशराज जो है अपनी बात रखने में, अपना पक्ष रखने में वो सफल हुआ है, तो जो सफल होगा वो विजयी होगा, तो विजयी जो है उसकी दृष्टि कुछ और होती है, तो यशराज विजेता की आंखों से उसे देखता है, विनर्स लुक, है ना, कि देखो तुम मेरे सामने कुछ नहीं। और स्वाभाविक है कि निबंधकार जो है अपनी हार मन ही मन मान लेता है, निसंदेह मुझे पराजित होना पड़ा, मैंने दो शेर का अपना सिर हिलाकर, ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉमेडी है, मजाक है, क्योंकि निबंधकार का ये भी काम है कि बीच बीच में आपको थोड़ा हल्का फुल्का कुछ वो दृश्य उपस्थित करता चले ताकि आपका थोड़ा मन बहल जाए, आप थोड़ा हंस लें, मुस्कुरा लें, ये भी निबंधकार का धर्म है। कोई भी चीज बेकार नहीं लिखी जाती, हर चीज के पीछे एक मतलब होता है, जब सीरियस बात हो रही है उसमें थोड़ी सी, जैसे फिल्मों में सीरियस कुछ हुआ उसके बाद थोड़ी सी कॉमेडी लोग डाल देते हैं, थोड़ा हास्य डाल देते हैं, थोड़ा संगीत का कार्यक्रम होता है, ऐसे ही साहित्य में भी कहीं कहीं वो हंसने के लिए कुछ फुलझड़ियां होती हैं। देखिए किस तरह से मजाक और एक हल्का फुल्का कह लीजिए कि एक हास्य जो है वो उपस्थित किया गया है, इसका सौंदर्य देखिए। मैंने दो शेर का अपना सिर हिलाकर, दो शेर का किलो शेर, दो शेर का अपना सिर हिलाकर उसकी हां में हां मिला, हां भैया ठीक कहते हो। तब एकाएक मुझे भान हुआ, भान यानी ज्ञान हुआ, आभास हुआ कि मेरे मस्तक की संदूक में, यानी मेरे इस बॉक्स में, इस हेड बॉक्स, इडियट बॉक्स, इस बॉक्स में, इस संदूक में सचमुच आलू और भंटे भरे हैं, यानी मेरे, कहते हैं ना तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है, तो भूसा शब्द की जगह यहाँ पर आलू और भंटा रखे हैं, है ना, ये सब हास्य उत्पन्न करने के लिए। भंटा आप समझते होंगे, जो लोग खास करके हमारे यूपी बिहार के बच्चे हैं वो भंटा समझते होंगे, बैंगन को कहते हैं, लंबा वाला वो बैंगन है और जो गोल गोल होता है ना, भंटा, दैट इज भंटा। तो आलू और भंटे भरे हैं, इनकी तो तरकारी भी नहीं हो सकती, यानी आलू और भंटा ये कोई सब्जी थोड़ी है, ऐसे खा लिए लोग, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बहुत उच्च कोटि का कोई है नहीं है, भंटा वगैरह जला वला करके लोग उसका भरता वरता बनाते हैं, लेकिन आलू और भंटे की सब्जी ये मतलब कोई खास उम्दा भोजन में इसकी गिनती नहीं होती, इसलिए कह रहे हैं उनकी तो तरकारी भी नहीं हो सकती, यानी भाव ये है कि मेरा दिमाग सचमुच खाली है, कुछ नहीं है, मैं यशराज के आगे मेरा दिमाग शून्य है, जीरो है, नील है, ये है, इस बात को कहने के लिए कि उसके दिमाग के आगे मेरा दिमाग कुछ नहीं है, ये आपके सामने थोड़ा सा हास्य, थोड़ी सी कॉमेडी रखी गई है। जो भी हो, मैं यशराज की बात जरा ध्यान, ज्यादा ध्यान से सुनने लगा, क्योंकि भाई जब हार मान गए और ये स्वीकार कर लिए कि ये बहुत ऊंची चीज है तो आपको तो सुनना पड़ेगा, फिर तो आप तर्क करने के पोजीशन में है नहीं, स्थिति वैसी आपकी बनती नहीं है कि आप उसके सामने लॉजिक लड़ाते जाएं बिना मतलब का, तो आप ध्यान देंगे। मुझे प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लगा, प्रतीत होना मतलब लगना, मुझे ऐसा लगा कि उसे ऐसा कुछ कहना है, मैं कुछ इस तरह की बात करूं इससे, क्यों मेरे लिए भी थोड़ा ठीक हो, वो तो कह रहा है अच्छी बात कह रहा है, लेकिन मैं कुछ ऐसा कहूं जिससे कुछ मेरा भी फायदा हो। तो अपनी बात, चूंकि वो विजेता बन चुका है और उसके सामने ये एक तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं, तो जिसके सामने आप आत्मसमर्पण करेंगे उसके सामने आप रोग के साथ बात नहीं कर सकते, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ये मानवीय मनोविज्ञान है, आपको झुकना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है, तो इसीलिए कह रहा है कि मैंने प्रार्थना के स्वर में कहा हाँ, ताकि वो फिर से क्रुद्ध न हो जाए,
और उसका मजाक न उड़ाए, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब यशराज, मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। प्रवक्ता मतलब किसी के तरफ से बोलने वाला, स्पोक्स पर्सन जिसको कहते हैं। जैसे टेलीविजन पे अगर आप देखते होंगे किसी पार्टी के बारे में कोई बात करता है ना, तो वो प्रवक्ता कह रहे कि मैं नई कविता का कोई प्रवक्ता नहीं हूं। नई कविता का मतलब ये नहीं है कि आप इस, ये भी आपके लिए एक शब्द है नई कविता, यानी पहले के जमाने में अब जैसे तुलसीदास, कबीर, सूर को आप पढ़ेंगे, पढ़ते होंगे, अभी आपने कबीर का पद मैंने आपको पढ़ाया, साकी पढ़ाई, तो वो नई कविता नहीं है, वो सब पुराना काव्य, प्राचीन काव्य है। और नई कविता जैसे आज के कवि लोग जैसा लिख रहे हैं, प्रयोगवाद है, छायावाद है, इस युग के जो कवि लोग जो लिखते हैं, ये सब नई कविता है। तो कह रहे हैं कि मैं नई कविता का की कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, मैं उनका कोई वकील या प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए मान भी लूं, मान लीजिए भाई साहब कि मैं आपकी बात अगर मान लेता हूं, तो फिर भी मेरे लिए ये एक मिस्ट्री बनी रहेगी, एक रहस्य बना रहेगा, क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हुआ, ये मैं आपकी बात अभी तक समझ नहीं पाया ठीक से कि कैसे। ये जो आपने समन्वय की बात कही कि आत्मपक्ष और वस्तु पक्ष दोनों में तालमेल बिठाना होगा, तो ये तालमेल बैठेगा कैसे, वस्तु पक्ष से आत्म पक्ष का जो समन्वय है ये कैसे होगा, ये रहस्य मेरे दिमाग में घर कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे ही इतनी बात होती है यशराज उसकी बात को वो आगे बढ़ाए, बीच में ही काटता है, कहता है भाई मैं तो तुम्हारी डायरी के बारे में बात कर रहा था, और डायरी से हम लोग चले आए नई कविता पर। तुमने जगह 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 मतलब अपनी डायरी में, इस पेज पर कभी, उस पेज पर कभी, यहां कभी यहां, डायरी हम लिखते हैं तो नियम है ना कि रोज सवेरे उठे और शाम तक जो कुछ किया लिखा, ये डायरी है, इसीलिए डायरी में झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती है। अगर डायरी आप उल्टा पुल्टा लिखते हैं, बना के लिखते हैं, तो वो गलत है, या उससे अच्छा आप मत लिखें। तो जगह जगह व्यक्तिगत ईमानदारी का उल्लेख किया है, मैंने आपने कहा भी है कि मैंने आज जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई बनावट नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है, जगह जगह तुम अपना लिख रहे हो, सर्टिफिकेट अपने आप को प्रमाणित कर रहे हो। तो आखिर उसकी परिभाषा क्या है, कैसे डिफाइन करोगे ये व्यक्तिगत ईमानदारी जो आप बार बार लिख रहे हैं, ये व्यक्तिगत ईमानदारी, मैंने ईमानदारी बरती है, मैंने जो कुछ लिखा है सत्य लिखा है, सत्य के अलावा कुछ नहीं लिखा है, जैसे कोर्ट में गीता पर हाथ रख के लोग कहते हैं मैं जो कुछ कहूंगा सत्य कहूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, उस तरह से आप अपनी डायरी में कहीं 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 लिखते जा रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं कि मैंने जो कुछ लिखा सही लिखा। तो ये जो सही लिखने के प्रति जो एक शब्द आपका जो आ रहा है व्यक्तिगत ईमानदारी, आखिर कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, यानी व्यक्तिगत ईमानदारी किसको कहेंगे, ये आता है प्रश्न। मैं बहुत सी नई कविताएं पढ़ता हूं, आलोचक चूंकि आलोचक है उसके पास कविताएं जाएंगी, वो पढ़ेगा ही, क्योंकि उसे आलोचना करनी है, टीका टिप्पणी करनी है, ये उसका धर्म है, साहित्यिक धर्म है। तो बहुत सी नई कविताएं पढ़ता हूं, मुझे उनमें कुछ विशेष ईमानदारी मालूम नहीं होती, मैं तो नहीं देखता कि उसमें नई कविता में बहुत लोग ईमानदार हैं, या जो सत्य है वही लिखते हैं, सत्य पर पर्दा वहां भी हम देखते हैं पड़ा हुआ है, और लोग अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं। यशराज कहते गया अपने कहने के क्रम में, वो आगे बढ़ता गया कि नई कविता की भी एक लीक पड़ गई है, नई कविता भी लिखने का, लीक पड़ना मतलब एक ट्रैक, एक निशान, एक रास्ते पे चला, अब आप अगर पीछे से आ रहे हैं, आपके सामने भी आगे बढ़ने का है, तो आप देखते हैं कि भाई मैं लेफ्ट जाऊं कि राइट जाऊं, बाएं जाऊं या दाहिने जाऊं, नहीं चलो इस रास्ते पे, एक आदमी चला है हम भी इस रास्ते पे चले। तो नई कविता का भी एक, उसकी भी एक लीक पड़ गई है, यानी किसी ने ऐसा लिखा तो दूसरे भी वैसा लिखना शुरू कर दिए,
इसको कहते हैं लीक पर चलना। वह भी एक ढर्रा है, ढर्रा मतलब एक बस एक प्रवाह, चल पड़ा सो चल पड़ा, इस तरह का लिखने का नियम एक बन गया तो बन गया। ढर्रे में सब कुछ खपाया जा सकता है, उसी ढर्रे में उसी नियम में बस जो मन में आए सो लिखते चलो और अपनी बात को फिर जारी रखते हुए वो कहता है जसराज, यह तो तुम मानते हो, इतना तो मान गए भाई, अब तक जो हमारी आपके साथ बातचीत हुई तो आपने इतना तो मान लिया कि भाव या विचार उसका एक वस्तु तत्व भी होता है, ये तो बात आपने मानी कि केवल आत्मपक्ष नहीं होता वस्तु पक्ष भी होता है, क्योंकि वस्तु नहीं होगा तो आप लिखेंगे क्या, तो भाव या विचार का वस्तु पक्ष तो होगा ही होगा, उसके अभाव में तो आप कोई विचार उत्पन्न भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल सीधा गणित है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि किसी चीज को देख करके जो विचार आना, विचार आना क्या है, वो एक मानसिक प्रतिक्रिया है, यानी एक मेंटल रिएक्शन है, किसी चीज को आपने देखा और तुरंत आपके मन में रिएक्ट किया, किसी चीज को आपने देखा और एक प्रतिक्रिया हुई अरे, और उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे या लिखेंगे सोचेंगे, तो जो किसी वस्तु तत्व के प्रति की गई है वो प्रतिक्रिया किसके बारे में है, उस वस्तु के बारे में, जिस वस्तु को देख करके आपने मन में विचार आया। इस मानसिक प्रतिक्रिया में अब ये जो मेंटल रिएक्शन है उसमें सच्चाई तो तभी होगी ना, जो आप रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका रिएक्शन तो सच्चा तब होगा, आपकी प्रतिक्रिया सत्य तभी होगी जब उसमें उस वस्तु को भी आप शामिल करेंगे, यानी कि वस्तु को तो आपने देखा, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन को आप उसके हिसाब से नहीं बल्कि केवल अपने हिसाब से किए जा रहे हैं, तो फिर गड़बड़ है, फिर वो रिएक्शन सच्चा नहीं होगा। जिस चीज को या जिस व्यक्ति को देख करके आपके मन में रिएक्शन हुआ, प्रतिक्रिया हुई, अब प्रतिक्रिया हुई तो उसके बारे में उस प्रतिक्रिया को आप अपने हिसाब से लिखिएगा, तो यहां गलत है। आप लिख रहे हैं आपके विचार अपने हैं ठीक है, लेकिन उसको भी शामिल कीजिए, वस्तु के बारे में भी लिखिए कि वो वस्तु जो आप लिख रहे हैं उससे ठीक कनेक्टेड है कि नहीं है, जुड़ा हुआ है कि नहीं है, सुसंगत है कि नहीं है, रेलिवेंट है कि नहीं है, है ना। अगर वो उससे रिलेटेड है तो फिर वो सच्चा है, अगर वो रिलेशन आप नहीं कायम कर पा रहे हैं इसका मतलब आपकी प्रतिक्रिया में सच्चाई नहीं है। मानसिक जो वस्तु के प्रति जो मानसिक प्रतिक्रिया हो रही है जिसके बाद आपके मन में विचार आते हैं, उस प्रतिक्रिया में सच्चाई होनी चाहिए और सच्चाई के साथ साथ यह बोध, ये आपके मन में ये ज्ञान भी आपको होना चाहिए कि जो मानसिक प्रतिक्रिया हुई है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। किसी को देख करके आप कुछ भी रिएक्शन करने लगे तो ये तो पागलपन का लक्षण है भाई। तो जिसके प्रति आपके मन में विचार उठते हैं वो विचार भी सही है या गलत, इसका भी आपके अंदर वो उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो प्रतिक्रिया जो आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, वो उचित है कि अनुचित है, या जितनी होनी चाहिए उतनी हो रही है कि नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं कि तिल का ताड़ आप बना रहे हैं या ताड़ है उसको तिल बना दिए, बहुत होना चाहिए थोड़े में निकल गए, या थोड़ी सी बात को आपने बात का बतंगड़ बना दिया। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो बड़ी अजीब बात होगी, माने बड़ी एक तरह से जिसको अंग्रेजी में विजार शब्द है वो विजार हो जाएगा, वो एक अजीब सी हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी, इससे लेखक को निबंधकार को रचनाकार को बचना चाहिए। तो इतनी ज्ञानप्रद बातें सुनने के बाद निबंधकार थोड़ा मुस्कुराता है, मुस्कुरा के कहता है हजरत, हजरत माने जैसे जनाब कहते हैं ना इज्जत दे करके, हुजूर काव्य की प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, इसको समझिए। ये लाइन जो है थोड़ा आपके क्लास, आप अभी नए नए 12 में आए हैं तो इसको थोड़ा आपको समझना होगा कि काव्य की प्रक्रिया जो है ये ज्ञानात्मक नहीं है, यानी काव्य जो है, काव्य की रचना जैसे साइंस जो है,
साइंस केवल ज्ञान है, उसमें दिमाग, इसमें वो सोल, आत्मा, दिल की बात नहीं होती है। अगर आप साइंस थोड़ा भी पढ़े हैं, उसके विद्यार्थी रह चुके हैं, या जो साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, वो जानते होंगे कि विज्ञान जो है वो हृदय की बात नहीं सोचता है, वो दिमाग से काम करता है। लेकिन काव्य जो है, काव्य केवल दिमाग से नहीं चलता, उसमें हृदय, हृदय बहुत जरूरी है। हृदय में भाव उत्पन्न, किसी को देख के आंसू आना, किसी को देख के हंसना, किसी को देख के तकलीफ होना, ये सब हृदय की बात है, विज्ञान की बात नहीं है। तो वही कह रहा है ये मुस्कुरा करके कि भाई साहब, हजरत, काव्य की प्रक्रिया ज्ञानात्मक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि काव्य ज्ञान से संचालित नहीं होता है, ये हृदय की चीज है। और हृदय जो है, यहां पर आप तराजू लेकर बैठिएगा तो ये बड़ी मुश्किल की मुश्किल हो जाएगी। ये आप जो तोल कर रहे हैं कि ये भी बराबर होना चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए, तो ये संभव है? अभी असराज ने जवाब दिया, ठीक, मानता हूं, ये बात सही है, मैं भी मानता हूं, लेकिन ज्ञान और बोध दोनों के आधार पर ही भावना की इमारत खड़ी है। ज्ञान और बोध एक ही चीज है, यानी ज्ञान अगर नहीं हो तो भावना आएगी कैसे? सपोज आपको अगर ज्ञान ही ना हो, एक मैं सीधा उदाहरण देता हूं, आज के मॉडर्न लाइफ का एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए कि कोई लड़की है, बहुत सुंदर है, उसको देख करके आपके मन में उसे पाने की इच्छा होती है, उससे दोस्ती करने की इच्छा होती है, ये भाव है, ठीक है ना? उसको देख करके आपके मन में ये भाव है, हृदय की भावना है। लेकिन अगर आपको ये ज्ञान हो जाए, आपको इस बात का नॉलेज हो जाए, आपको बता दिया जाए कि अरे वो लड़की रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है, तो फिर आपके मन में कैसे भाव आएंगे, आप खुद सोचिए, है ना? तो किसी वस्तु के प्रति जो भाव है वो ज्ञान पर भी आधारित है, और ज्ञान अगर न हो और बोध दोनों मिल करके, बोध का मतलब उसके बारे में जानना, अगर ये न हो तो भावना की इमारत भी कैसे खड़ी रहेगी, भावना आएगी कहां से? छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, बिल्कुल शिशु, वो मां का स्तनपान कर रहा है, दूध पी रहा है, लेकिन उसे वो ज्ञान नहीं है कि मैं जिसका दूध पी रहा हूं वो मेरी माँ है, और माँ के प्रति मेरे मन में आदर की भावना होनी चाहिए, माँ पूजनीय है, आदरणीय है। ये तो बात तब आएगी जब वो बड़ा होगा, उसके मन में ये भाव तो तब होंगे जब वो थोड़ा उम्र होगी उसकी, उसके ज्ञान की राशि बढ़ेगी, उसका बोध बढ़ेगा, तब तो वो समझेगा कि ये मेरी माँ है और माँ की इज्जत होनी चाहिए। यदि नॉलेज ही गलत हो जाए, ज्ञान और बोध की बुनियाद गलत हो जाए, उसके नॉलेज में ये डाल दिया जाए कि ये तुम्हारी मां नहीं है, है ना, ये तुम्हारी बहन नहीं है, अगर गलत ज्ञान दे दिया जाए तो उस आदमी के प्रति आपकी भावना भी गलत होगी, आप उसके बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं। अगर आपको ये ज्ञान ना हो कि इस मां का दूध पी करके मैं बड़ा हुआ हूं, और जिस मां की कोख से मैंने जन्म लिया है उसी मां की कोख से इस लड़की ने भी जन्म लिया है, ये अगर आपको ज्ञान ना हो तो क्या भाई बहन का रिश्ता निभा पाएंगे? माया, मां के प्रति जो एक पूजा की भावना होती है, वो क्या आपके मन में कभी उत्पन्न होगी? नहीं। इसलिए अगर ज्ञान और बोध का आधार गलत हो गया तो भावना भी गलत हो जाएगी, और जो भावना होगी तो वो कुत्सित होगी, बेडौल, बेडौल बेकार का मतलब कुत्सित होगी, वो गलत होगी, अभद्र होगी, और उसका असर
शिल्प पर पड़ेगा। अगर ये भावना कुत्सित हुई, गंदी हुई, तो गंदी भावना ही आपके साहित्य में भी आएगी, तो साहित्य भी गंदा होगा। मन में अगर खराब विचार हो, आज अखबार में आप क्या पढ़ते हैं, आज साहित्य में क्या पढ़ते हैं, बलात्कार, आगजनी, लूट, खसोट, यही सब ना, क्योंकि आजकल यही सब हो रहा है। सबके विचार, सबकी भावनाएं वैसी ही हो गई हैं, गलत सोच ही वो एक संस्कृति बनती जा रही है, तो वैसे ही साहित्य भी हमारे सामने आ रहा है, तो उसका असर पड़ रहा है। जैसी भावना होगी वैसे लिटरेचर तैयार होगा। यशराज चूंकि गंभीर बात कह गया इसलिए थोड़ा सा चुप हो जाता है, कभी कभी गहरी बात कर देते हैं तो थोड़ा चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं, ऐसा लग रहा है मानो जैसे सांस ले रहा हो कुछ और कहने के लिए। वो आगे कहता गया, व्यक्तिगत ईमानदारी वहां लक्षित होगी, यानी व्यक्तिगत ईमानदारी वहीं दिखेगी, लक्षित होना मतलब वहीं दिखेगी, जहां वस्तु का वस्तु मूलक आकलन करते हुए, वस्तु का वस्तु मूलक यानी वस्तु का वस्तु के हिसाब से, वस्तु मूलक माने वस्तु के अनुसार, वस्तु के हिसाब से आकलन, उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब किताब जवाब करते हुए, और उसके हिसाब किताब को, उसके आकलन पे आप उस वस्तु तत्व के प्रति सही 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 रिएक्शन करेंगे, मानसिक प्रतिक्रिया करेंगे, माफ कीजिएगा, अगर सही मानसिक प्रतिक्रिया होगी किसी वस्तु के प्रति, तो तभी आपकी लेखनी में भी, आपके लेखन में भी, आपकी कलम भी जो लिखेगी बात वो सही लिखेगी। तो उसकी प्रतिक्रिया में सत्यत्व का आविर्भाव, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो, अगर सही सही मानसिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो उस रिएक्शन में, उस प्रतिक्रिया में सच्चाई नहीं होगी, सत्यत्व का आविर्भाव नहीं होगा, मतलब सच्चाई उत्पन्न नहीं होगी उसमें। मैंने कहा, अर्थात वो निबंधकार महोदय, तुम्हारी परिभाषा, यानी निबंधकार कह रहा है कि भाई यशराज, यदि तुम्हारी परिभाषा, मैंने तुमने जो डिफाइन किया उसे मैं मान भी लूं, स्वीकार कर लूं, है ना, तो काव्य के क्षेत्र में एक दंगा समझ जाएगा, क्योंकि काव्य में तो वो केवल दिमाग नहीं चलता है, वो तो हृदय है, और सारी मन की बातें जो हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं वही लिखी जाती हैं, और काव्य में अगर ब्रेन लगाने लगे, दिमाग खर्च करने लगे, तब तो काव्य रहेगा नहीं, काव्य का जो सौंदर्य है, काव्य की जो ब्यूटी है वो खत्म हो जाएगी, एक रायट हो जाएगा, एक दंगा समझ जाएगा, बवाल मचेगा। असलियत यह है कि तुम जिस वस्तु मूलक सत्य की बात करते हो, लेखक यह थोड़ा थोड़ा अपने आप को मजबूत बना रहा है, क्योंकि अंततः तो दोनों को आना पड़ेगा ना एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये अब धीरे धीरे थोड़ा सा अपना गेयर में आ रहा है निबंधकार। असलियत यह है कि, मैंने सच्चाई यह है कि तुम जिस वस्तु मूलक सत्य की बात करते हो, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसमें जो सच्चाई है, उस जिस सच्चाई की बात करते हो, वह काव्य के भाव सत्य से अलग है, क्योंकि उसमें जो सच्चाई है अगर ठीक वही लिखें तो फिर जो भाव सत्य है वो अलग हो जाएगा, फीलिंग वो नहीं आएगी। ये एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण यहां दूं, रामचरितमानस या रामायण आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, या आजकल लॉकडाउन में तो रामायण फिर से टेलीविजन पे दिखाया गया, तो उसमें रामचरितमानस में एक प्रसंग है कि जंगल में सीता जो है वो राम की सेवा में लगी हुई हैं, लक्ष्मण बगल में हैं कहीं, और एक काग जो है कौवा वो आकर के सीता के चरण में चोंच मारता है, ये रामचरित में तुलसीदास ऐसा करते हैं, और रामायण जो है, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण है, उस रामायण में ये है
कि उस काग ने, उस कौवे ने सीता जी के स्तन पे चोंच मारी। देखिए दोनों में अंतर। मूल जो रामायण है, जो मौलिक है, जो ओरिजिनल है, वहां पर लिखा गया कि काग ने, कौवे ने सीता के स्तन में चोंच मारी, है ना। ये सत्य है, वस्तु का सत्य पक्ष है ये। लेकिन वस्तु के सत्य पक्ष को, वस्तु परक जो सत्य है, उस पर तुलसीदास ने पर्दा डाला, क्योंकि सीता उनकी माता स्वरूप थी और मां के बारे में चलो भाई चोंच वाली बात रख देते हैं, लेकिन थोड़ा स्थान परिवर्तन कर देते हैं। स्तन यहां है, नीचे उतर के पैर के पास चले गए और पैर में चोंच मरवा दी। तो ये उसके बाद की कहानी और है, कौवे के पीछे राम का बाण गया, कहां कहां गया, वो सब उसको छोड़िए, यहां मूल विषय पर आइए कि रामायण में काग ने सीता के स्तन पे चोंच मारी और रामचरितमानस में उसको दिखाया गया पैर में। तो ये जो स्थानांतरण है, शिफ्ट है, जो शिफ्ट किया गया, ठीक ऊपर से आप नीचे चले गए, तो ये जो वस्तु का जो सत्य है, उस सत्य को आपने हटा दिया, सत्य को लेकर के उसका रूप आपने परिवर्तन कर दिया। तो यही है कि अगर लिटरेचर से इसको हटा दिया जाए, वस्तु मूलक सत्य है लेकिन काव्य के भाव सत्य से अलग है। यही तो है उदाहरण कि काव्य का भाव सत्य कुछ और है। काव्य जो है वो देखता हृदय, तुलसीदास हृदय से देख रहे हैं कि मां के बारे में मैं लिखूं ऐसा नहीं, नहीं नहीं, ये गलत होगा। उस पर थोड़ा उन्होंने मां की इज्जत करते हुए, आदर करते हुए पर्दा डाला, ये भाव है। यशराज ने आंखें फाड़कर मेरी तरफ देखना शुरू किया, मानो मैं कोई जिराफ या कंगारू जैसा अजीबोगरीब प्राणी हूं। अब लेखक के इस तर्क पे, है ना, कि काव्य जो है वो भाव सत्य से अलग है, यशराज सचमुच रूप से लगा कि मैं किससे बात कर रहा हूं। मैंने भी बहुत गंभीरता से उत्तर दिया, यार लगता है मैं अपनी बात आपको ठीक से समझा नहीं पा रहा हूं। और दोनों ने अपने अपने आसन बदले। कभी कभी हम बैठे बैठे एक पोजीशन में थोड़ा ये होते हैं ना, या तो प्रसंग बदल देते हैं या फिर थोड़ा सा ऐसे बैठते हैं, वैसे बैठते हैं, थोड़ा सा आसन बदलते हैं ताकि एक दूसरे को ठीक से समझाया जा सके, समझा जा सके। मैं आपको समझाऊं, आप मुझे समझाएं, इसके लिए थोड़ी सी जो देह की जो भाषा होती है या जिस शब्दों का प्रयोग किया जा रहा हो, शब्दों के चयन में थोड़ा परिवर्तन किया जाए ताकि आपको ठीक से समझाया जा सके। आसन बदलने का मतलब ये भी है, आसन बदलना मतलब अपने ठीक से अब तैयार रहना कि अब ठीक है, जिस भाषा में तुम समझोगे मैं तुमको उसी भाषा में समझाऊंगा, जैसा समझना चाहते हो वैसा ही समझाऊंगा, ये आसन बदलना। ये माने भीतर का शब्द, आंतरिक, और ऊपर का शब्द है कि जैसे आसन बदले इधर उधर थोड़ा हिले डुले, लेकिन वो नहीं है। साहित्यिक भाषा में ये है कि आसन बदलना मतलब अपने बोलने का अंदाज बदलना। मैंने शून्य की ओर देखना शुरू किया, उस शून्य में मुझे दो बातें नजर आई। माने अब जैसे बात कर रहे हैं तब तक ध्यान चला गया ऊपर, और वहां ध्यान मतलब कभी होता ना कि आदमी अपना ध्यान अटकाने के लिए, एक जगह फिक्स करने के लिए, ताकि वहां से कुछ मिले मन को शांत रख के, एक जैसे होता है कि कहीं से एंटीना काम कर रहा हो वहां से कुछ मिल रहा हो। मुझे उस शून्य में दो बातें नजर आई, एक तो यह कि यशराज के अनुसार, पहला कि यशराज के अनुसार मानसिक प्रतिक्रिया, मानसिक प्रतिक्रिया मेंटल रिएक्शन जिस वस्तु के प्रति होती है, उस वस्तु का भी चित्रण परमावश्यक है। जिसके बारे जो चीज देख करके आपके मन में विचार आया, उस वस्तु के बारे में भी आपको बताना जरूरी होता है, ये पहला पॉइंट। दूसरा कि सत्यत्व के आविर्भाव के लिए, मैंने सच्चाई को उद्घाटित करने के लिए, सच्चाई को प्रकट करने के लिए, सच्चाई को सामने लाने के लिए, ये जरूरी है कि कवि या रचनाकार जो भी है उस वस्तु तत्व के प्रति
उस वस्तु के प्रति जिसको देख करके प्रतिक्रिया हो रही है उस वस्तु के प्रति सही सही प्रतिक्रिया करे, माने जो उचित हो वही रिएक्शन होना चाहिए। ये दो चीज निकल के आई। कंक्लूड कर दो थोड़ा, 2 मिनट बाद नेक्स्ट एपिसोड। तो इसके बाद हम आज यहाँ तक इसको रोकते हैं ताकि इसकी फिर एडिटिंग वगैरह ठीक से हो सके, क्योंकि उसमें थोड़ा समय लगता है, और जहाँ आप रुके हैं वहाँ से फिर आगे दूसरे एपिसोड में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।